तो सवाल आज लाजमी है कि आज बिहार सरकार पर सवाल है कि ब्यूरोक्रेट्स को किसने की शक्ति दी कि आज गवर्नर के सामने चुनौती पेश कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान समय में ऐसा दिखाई देता है कि जिस प्रदेश के अंदर में डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलने की एक लेगेसी है, उस प्रदेश के अंदर में नेताओं के जगह पे ब्यूरोक्रेट्स इस राज्य को संचालित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। इस प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं सवाल तो सरकार के ऊपर में है, वो कौन सी कानून है वित्त मंत्री जी बिहार के अंदर में कि जिस कानून का उपयोग करते हुए आपकी सरकार या आपके मैकेनिज्म के पाठक के द्वारा अकाउंट को फ्रीज किया गया। कि ये एक ऐसा अधिकारी जो मानसिक संतुलन मुझे लगता है कि खो बैठे और उनको ये नहीं मालूम है कि राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, जिनको शपथ दिलाने वाले व्यक्ति से आज के पाठक जी सवाल करते हैं। मुझे लगता है कि कानून को टोटली पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आर्टिकल 7 के बारे में आप पढ़े हैं तो आर्टिकल 9 भी यदि के पाठक की खुद की स्किल के ऊपर में और के पाठक की खुद की काबिलियत पर यदि थोड़ा भी गर्व है तो आर्टिकल 9 को सार्वजनिक करने की क्षमता दिखाओ के पाठक। यदि के पाठक आर्टिकल 9 नहीं पढ़ते हैं तो मुझे लगता है के पाठक की औकात इतनी छोटी सी है। वो लोगों को डरा सकते हैं, वो भयभीत कर सकते हैं और भय के पीछे पूरे विश्वविद्यालय को आज एक डिरेल करने की दिशा में बिहार की ब्यूरोक्रेट्स और खास करके के पाठक के द्वारा हो रहा है। या तो मैंने जो पहली बात कहा कि के पाठक जी को कांके भेजना चाहिए, कांके के कोई सबसे फिट व्यक्ति है। यदि इसके पीछे कोई नहीं है तब इसके पीछे भी कोई है तो शायद बिहार के सेहत के लिए और शिक्षा के लिए ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच कई महीनों से द्वंद की स्थिति बनी हुई है और आपको पता होगा कि संविधान में यह साफ साफ कहा गया है कि किसी भी राज्य के सर्वोच्च जो कार्यपालिका प्रधान होते हैं, कार्यकारी कार्यपालिका प्रधान जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। और ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा राजभवन से प्रश्न पूछना, उनके अधिकारों के बारे में चर्चा करना, विश्वविद्यालय के जो खाते हैं उन पर रोक लगा देना, सैलरी बंद कर देना, हमेशा कार्रवाई की धमकी देना, ये कहां तक सही है? हमारे साथ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जनरल सेक्रेटरी शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद, आप समय दिए सर इतने अहम मुद्दे पर। सर, ये कभी देखे हैं किसी राज्य में, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जनरल सेक्रेटरी हैं, कभी देखे हैं किसी राज्य में कि इस तरह एक शिक्षा विभाग का सचिव राज्यपाल से उनके अधिकारों के बारे में प्रश्न करे? देखिए, कुल मिलाकर के हम जिस प्रदेश में बैठे हैं बिहार प्रदेश, इसकी दुनिया के अंदर में एक लेगेसी है। जब दुनिया में कोई एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं था तब से नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे संचालित होता था। दूसरी एक डेमोक्रेसी का भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी इस प्रदेश को कहा जाता है और वैशाली गणराज्य पूरी दुनिया की पहला हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र की जननी वैशाली से प्रारंभ हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान समय में ऐसा दिखाई देता है कि जिस प्रदेश के अंदर में डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलने की एक लेगेसी है, उस प्रदेश के अंदर में नेताओं के जगह पे ब्यूरोक्रेट्स इस राज्य को संचालित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। और आज पूरी कैनवास से शिक्षा मंत्री गायब दिखता है। पहले का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव वो भी गायब दिखते थे और मौजूदा जो सुनील कुमार जी है ex IPS वो भी इस पूरी प्रकरण से बाहर दिखाई दे रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है। जब मौजूदा राज्यपाल जी नहीं आए थे उसके पहले राजभवन पर ही सवाल खड़ा होता था और लगभग 5-6 साल सेशन लेट था। उस समय बिहार प्रदेश की सरकार और वर्तमान जो लंबी लंबी और ऊंची डिंग हाँकने का प्रयास करते हुए ब्यूरोक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये लोग कहाँ थे? जब सुधार की दिशा में विश्वविद्यालय आगे बढ़ चला है, आज सेशन रेगुलराइज करने की दिशा में लगातार विश्वविद्यालय के कर्मचारी काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए महामहिम राज्यपाल चीजों को पटरी पर लाने के प्रयास कर रहे हैं, जब ये प्रयास सफलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है तो सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों को शायद पेट में दर्द हो रही है। इसके कारण से आज पूरे विश्वविद्यालय को भयाक्रांत करने का प्रयास हो रहा है, भयादोहन करने का प्रयास हो रहा है। और इस प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं सवाल तो सरकार के ऊपर में है कि वो कौन सी कानून है वित्त मंत्री जी बिहार के अंदर में कि जिस कानून का उपयोग करते हुए आपकी सरकार या आपके मैकेनिज्म के पाठक के द्वारा
अकाउंट को फ्रीज किया गया, उसको सर्वेलिंग करना चाहिए कि बिहार सरकार के पास वो कौन सा कानून का अधिकार है जिसके कारण से यूनिवर्सिटी का पीएल अकाउंट, यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल जो एक्टिवेशन है उसको रोकने का जो प्रयास हुआ है वो कानून कहां है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये एक ऐसा अधिकारी जो मानसिक संतुलन मुझे लगता है कि खो बैठे हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, जिनको शपथ दिलाने वाले व्यक्ति से आज के पाठक जी सवाल करते हैं। मुझे लगता है कि कानून को टोटली पढ़ना चाहिए। के पाठक ने बहुत मेहनत करके कल जो सब आप सब लोगों के सामने है कि बहुत मेहनत करके उनकी लीगल टीम ने बहुत मेहनत करने के बाद एक नोटिस लिखा है, यानी एक लेटर लिखा है राजभवन को। लेकिन यदि आर्टिकल 7 के बारे में आप पढ़े हैं तो आर्टिकल 9 भी यदि के पाठक की खुद की स्किल के ऊपर में और के पाठक की खुद की काबिलियत पर यदि थोड़ा भी गर्व है तो आर्टिकल 9 को सार्वजनिक करने की क्षमता दिखाए के पाठक। यदि के पाठक आर्टिकल 9 नहीं पढ़ते हैं तो मुझे लगता है के पाठक की औकात इतनी छोटी सी है, वो लोगों को डरा सकते हैं, वो भयभीत कर सकते हैं और भय के पीछे पूरे विश्वविद्यालय को आज एक डिरेल करने की दिशा में बिहार की ब्यूरोक्रेट्स और खास करके के पाठक के द्वारा हो रहा है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम 3 मुद्दों को लेकर के लगातार इस प्रदेश के अंदर में इस मुद्दे पे समस्या का समाधान चाहते हैं। एक है कि इमीडिएट बिना कोई लाग लपेट का जो अकाउंट फ्रीज हुआ है वो अकाउंट इमीडिएट ओपन होना चाहिए। दूसरा डिमांड एबीवीपी का है कि जो आज लगभग 90 दिन से 90 साल के ऐसे कई वृद्ध कर्मचारी हैं जिनका पेंशन नहीं रिलीज हो रहा है, वो पेंशन इमीडिएट रिलीज हो। और तीसरा, विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में सरकार और सरकार के प्रशासनिक महकमा इंटरवीन करना बंद करे, अननेसेसरी जो हस्तक्षेप है उसको रोकने की दिशा में प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो छात्र शक्ति सड़क पर आएगी। सर, के पाठक जी क्या खुद से ये सब कर रहे हैं? आपने कहा भी कि इशारे पर हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि यदि के पाठक बेलगाम है तो सरकार को तो बताना पड़ेगा ना कि उनके पीछे कौन है, या के पाठक खुद से ऐसा कर रहे हैं तो कौन सी कानून बिहार विश्वविद्यालय एक्ट के तहत उनको अधिकार देता है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अंदर वो प्रवेश करें। एक अपर मुख्य सचिव के नाते शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ही उनको कहा जा सकता है। अपर मुख्य सचिव में तो उनको प्रमोशन मिला लेकिन उनकी भूमिका पूरी शिक्षा की प्रधान महासचिव प्रधान प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाते उनकी भूमिका है। देखिए, सवाल तो खड़े हैं आज कि के पाठक लगातार इस प्रदेश के विधि व्यवस्था को डिरेल करने का काम करते। आप ईद के दिन क्लास खोलना, उसके पीछे किसकी सोच है? होली के दिन ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को बाध्य करना, माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस में जिस बात को बोलते उस बात को नहीं मानना, या तो मैंने जो पहली बात कहा कि के पाठक जी को कांके भेजना चाहिए, कांके के कोई सबसे फिट व्यक्ति है, यदि इसके पीछे कोई नहीं है तब इसके पीछे यदि कोई है तो शायद बिहार के सेहत के लिए और शिक्षा के लिए ठीक नहीं है। सर, एक और घटना है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, पटना यूनिवर्सिटी के ही हॉल में राज्यपाल भी थे, मुख्यमंत्री भी थे। राज्यपाल जी ने वहां पर कहा कि कैसे एक सचिव का साहस हो सकता है कि वो राजभवन के जो ऑटोनॉमी है उस पर प्रश्न करे। विधानसभा में नीतीश कुमार जी टाइमिंग को लेकर बयान दिए। सर, आखिर आपको लगता है कि एक ब्यूरोक्रेट इतना बेलगाम हो सकता है कि इस पर किसी का लगाम नहीं लग सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं हो रहा है सर? मुझे देखिए, जो सबसे बड़ी ये पूरी प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हुई, महामहिम राज्यपाल आने के बाद जब सुधार की दिशा में बिहार को ले जाने का जब प्रयास हुआ उसी समय के पाठक की एंट्री होती है, आप देखेंगे। और के पाठक राजभवन में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला तो के पाठक ने भी निकाल दिया। के पाठक ने यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से इंटरवीन करने का प्रयास किया कि जैसे बालू गिट्टी सप्लाई करते वैसे एजेंसियों से टीचर सप्लाई करने का नोटिफिकेशन निकलवा दिया। के पाठक एक मानसिकता है, ये मानसिकता सड़ी भी मानसिकता हो सकती है या षड्यंत्रकारी मानसिकता। सर, कुल की बात करते हैं, सर क्या मुख्यमंत्री जी राजभवन के आड़े आ रहे हैं, क्या उनके इशारे पे हो रहा है? क्योंकि आपको भी पता है कोई भी ब्यूरोक्रेट सीएम के आदेश के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री के भी तो आदेश नहीं मानते हैं, इस प्रकार के आप लोगों के माध्यम से आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने विद्यालय की टाइमिंग को लेकर के कुछ कहा, के पाठक ने निर्देश कुछ दिया। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं लेकिन उनके कार्यकाल के अंदर में
इस प्रकार की गतिरोध बनी हुई है, जिसके कारण से आज प्रत्येक बिहार का व्यक्ति क्षुब्ध है, दुखित है कि राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति के ऊपर में अंगुली उठाने का हिम्मत संवैधानिक तौर पर इस प्रदेश में किसी को नहीं है। एक के पाठक यदि आज अंगुली उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहा है, तो सवाल तो आपका लाजमी है, सवाल तो सत्ता का है। अभी आप लोग भी सरकार में हैं, आप सरकार में हैं और आप लोग के दल के द्वारा, आपके डिप्टी सीएम के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, गिरिराज सिंह के द्वारा के पाठक की कार्यप्रणाली पर उंगली उठता है, बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, एबीवीपी एक स्वतंत्र स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई पार्टियां 90-80 के दशक के बाद बनी है। एबीवीपी 1947-49 से इस देश के अंदर में काम कर रहे हैं। हम मुद्दों पे समाधान के लिए काम करते हैं, हम व्यक्ति के लिए नहीं, हम भारत माता के लिए काम करते हैं, वंदे मातरम के लिए काम करते हैं। 140 करोड़ लोगों की शिक्षा में आस्था बनी रहे और सभी प्रकार की संस्थाओं में उनकी विश्वास बनी रहे, इस नाते हम लोग देश के प्रत्येक कैंपस में काम करते हैं। सवाल है कि यदि आज के पाठक, इसलिए एबीवीपी के प्रदेश मंत्री ने, नीतीश पटेल जी ने हमारा कल एक अल्टीमेटम दिया है सरकार को भी और के पाठक जी को भी, कि यदि ये लगभग 72-75 घंटे के अंदर में समस्या का समाधान नहीं होता है, अकाउंट यदि ओपन नहीं किया जाता है, सैलरी और पेंशन यदि नहीं मिलता है और अननेसेसरी सरकार का इंटरवीन जो यूनिवर्सिटी के अंदर में बढ़ रहा है, आप देश के किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइएगा, वहां पे नियुक्ति का अधिकार, निर्माण का अधिकार, सभी प्रकार का अधिकार यूनिवर्सिटी को है। बिहार के अंदर में यहाँ के या तो पॉलिटिशियनों के दूर नीति के, मुझे लगता है कि दूरदर्शिता के अभाव के कारण या ब्यूरोक्रेसी के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण से धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होता चला गया, यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता को समाप्त, लगभग बिहार के अंदर में समाप्त करने की दिशा में सरकार दिखाई देती है। इसलिए यदि अकाउंट फ्रीज हुआ है तो स्वाभाविक रूप से उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी सवाल है। जी सर, सम्राट जी उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं और विश्वविद्यालय के अंदर में भी वित्तीय संकट आज है। हम सीना ठोक के बोलते हैं एक बात को, यदि सरकार के अंदर में साहस है, मैकेनिज्म में दम है, यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार को जांच कराइए, सभी कुलपति जो भी भ्रष्ट उनको जेल भेजिए, लेकिन इसके आड़ में आप, इसके भय में आप यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहते हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। सरकार में दम है, आपके सामने मैं खुली चुनौती बिहार सरकार को देता हूं, सरकार के अंदर में दम है, सभी यूनिवर्सिटी का ऑडिट कराए और जिस विश्वविद्यालय में गड़बड़ी है प्यून से लेकर के वहां के वाइस चांसलर को जेल में डाल दे, हम सरकार को सबसे पहले समर्थन पत्र लिखेंगे। यदि सरकार चाहती है बिहार के अंदर में कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार न हो, यदि सरकार भ्रष्टाचार रोकना चाहती है, पूरा छात्र समुदाय और मुझे लगता है कि महामहिम गवर्नर भी उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि बिहार सरकार काम करना चाहती है, लेकिन बिहार सरकार जांच नहीं कराती है, बिहार सरकार भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहती है विश्वविद्यालय के अंदर में, भ्रष्टाचार के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापित व्यवस्था को यदि तोड़ मरोड़ करके उसको बर्बाद करने का प्रयास जो हो रहा है, तो सवाल आज लाजमी है कि आज बिहार सरकार पर सवाल है कि ब्यूरोक्रेट्स को किसने की शक्ति दी कि आज गवर्नर के सामने चुनौती पेश कर रहा है। सर, यही मेरा अंतिम प्रश्न है कि कौन झुकेगा और कब तक ये द्वंद्व खत्म होगा? सर, ये द्वंद्व नहीं है, ना समझी है के पाठक की, तो एक साल से तो चल रहा है। के पाठक ऑल इंडिया, समझी, एक साल से चल रहा है। के पाठक ऑल इंडिया सर्विस से आए हुए व्यक्ति है, यूपीएससी से अपने समय के काफी अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे और आप जो कर रहे हैं वो सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है और द्वंद्व नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार दूध का दूध पानी का पानी करे, अन्यथा बिहार के साथ पर एक बहुत बड़ा सवाल है और झुकने झुकाने की बात नहीं है। महामहिम राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति हैं, राज्य के पहले नागरिक हैं और संवैधानिक अधिकार है उनको और वो कस्टोडियन है इस स्टेट के वो प्रमुख व्यक्ति है, एग्जीक्यूटिव प्रधान है इस प्रदेश का, इसलिए झुकने की बात नहीं है। सरकार कि ना समझी के कारण से या सरकार इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, जो भी कारण हो, कुछ सवाल आप लोग भी पूछे, लेकिन सवाल आज सरकार के साख के ऊपर में है। तो सवाल सरकार के साख के ऊपर है और एक सालों से आपको बता दें कि द्वंद्व की स्थिति है, पत्र लिखे जा रहे हैं राजभवन और पूछा जा रहा है कि अधिकार बताएं आपने, किस अधिकार से ये काम किए या शिक्षा विभाग में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो शायद से देश में किसी राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक प्रधान सचिव, एसीएस शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच में इस तरह के संबंध हैं। आशा करेंगे हम कि ये द्वंद्व की स्थिति जो है जल्द से जल्द समाप्त हो और सबके बीच में विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, पठन पाठन की स्थिति जो है वो पटरी पे आए और जो रोक लगी हुई है वो खत्म हो और ऐसा दोबारा कभी ना हो, इसका प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जरूर करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।